down. हे गाइस नमस्ते सलाम सत श्री अकाल केम चुदा। इस बैटल में यार एक नई चीज़ सीखने वाले हैं भाई। जब कोई पोकेमोन तुम्हें कोई मूव यूज़ करे और उससे तुम कंफ्यूज होते रहो और तुम मूव यूज़ ना कर पाओ तो क्या करना चाहिए भाई, सेकंड बैटल में तुम्हें देखने मिलेगा। अच्छा फर्स्ट बैटल ये छोटा सा ही होने वाला है लेकिन अमेजिंग होने वाला है। वो कैसे, फिलहाल सामने इस बंदे ने गैंगार खड़ा कर रखा हुआ है, इससे ऑफकोर्स ये मुझसे लड़ाएगा नहीं। इससे फॉर्ट्रेस, ओ भाई ये स्ट्रैटेजी खेलने वाला है। वैसे फॉर्ट्रेस से सही से तुम्हें अगर खेलने आता है ना तो तुम बड़े से बड़े प्लेयर को ना यार फॉर्ट्रेस से हरा सकते हो। मतलब अच्छा यूज़ आना भी चाहिए, समझे ना। ऐसे मतलब कोई भी नहीं हरा सकता फॉर्ट्रेस, जैसे कि तुम देख लो यहाँ पे। मतलब इसने तो यूज़ करा लेकिन मुझे अच्छे से पता कंफ्यूज़ हो जाएगा मैं अगर जिमू यूज़ करूँगा तो हुआ भी, और एक शॉट मैं उसे मार देता। चलो कोई नहीं, उसका एक भी स्पाइक आया नहीं, ये बेटर हुआ। लेकिन भाई साहब कितना नॉक ऑफ का, ऑफकोर्स नॉक ऑफ का ना पहला जो डैमेज होता है वो बहुत सबसे ज़्यादा होता है, मतलब एकदम क्रिटिकल होता है। तो ये पड़ा एकदम हाफ ही एचपी बचा, हाफ से भी ज़्यादा, 10 के तो ले ही गया मैं। अच्छा भाई इसका माउली, मुझे तो लगता है इसका माउली कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक सा होगा तो मैं इस पर चांस ले नहीं सकता। तो एक काम करते हैं, जीमूव मारी देते एक और जो लास्ट वाला जीमूव है, अटैक प्लस 2 में। ओ भाई उतना कुछ खास डैमेज तो नहीं पड़ा लेकिन चलो कन्फ्यूज़ तो हो गया, एटलीस्ट नॉक ऑफ मैं मारूंगा तो कुछ पड़ सकता है। वैसे यहाँ पे माउली वर्सेस म्यूटू हो चुका था, अगर यहाँ पे मेरा कन्फ्यूज़न का अटैक उस पर नहीं पड़ता ना सही तो उसका कोई भी अटैक मुझ पर पड़ता तो मैं टिक नहीं पाता। मतलब यार मेरे ज़मीन तले खिसक जाती, मैंने कुछ उल्टा बोल दिया क्या, छोड़ो हटाओ नहीं छोड़ो, मुझे याद नहीं आ रहा वो वाला कहावत है एक छोटा सा, कल ही मैंने किसी से सुना था वो, मैं यहाँ पे झाड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन झाड़ नहीं पाया। कोई बात नहीं, मेगा स्वाम्प डार टू अगेन उसको नॉकअप पड़ा, वो भी अटैक प्लस 4 का, इसलिए इतना ज़्यादा डैमेज है। दूसरी बार भी भाई कितना खतरनाक सा डैमेज पड़ रहा है नॉकअप का। चलो ठीक है ये बंदा यहाँ से चला जाता है, लेकिन भाई नेक्स्ट जो बैटल आती है ना वो ऑसम है। अच्छा ये अभी तक चार्जेस बचा हुआ इसका, अच्छा यहाँ से जाता है वो, सॉरी। इसके बाद वाला बैटल में ना यार उसके पोकेमोन्स मतलब अमेजिंग थे लिटरली। यहाँ भी ये देख सकते हो सारे पोकेमोन्स तुम इसके, क्या नाम है, यू वी जेनो। चलो भाई तुमसे फाइट करते हैं। अच्छा सामने तो डाकड़ा है, ऑफकोर्स ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन ये बंदा एक मतलब अलग ही यूनिक यहाँ पे गेम खेल लेता है। यूनिक गेम कैसे, कोई भी ऐसा बंदा नहीं चाहेगा कि उसके अगेंस्ट के पोकेमोन से वो फाइट करे। जैसे कि ये तुम देखो स्टिकी वेब तो इसने दे दिया, चलो ये बहुत अच्छा काम किया इसके डाकड़ा ने, लेकिन ये डार्करा वर्सेस म्यू टू जेड करवा देता है। ये देखो इंसोमेनियबिलिटी है मेरे पास, उसे अच्छे से पता है। देन ऑल्सो इसने इन्फ्रस्ट्रेशन यूज़ किया, क्या सोचकर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ये देखो इसे अच्छे से पता है मैं नॉक ऑफ मारूंगा तो पड़ा भी, इसका होल्ड आइटम ख़राब तो हो ही गया लेकिन इन्फ्रस्ट्रेशन इसने यूज़ करा। ठीक है किया तो किया, मुझे लगा इसके बाद भी चेंज करेगा लेकिन नहीं भाई। मतलब इस बंदे का क्या स्ट्रैटेजी था इसको लेकर मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैं भी थोड़ी देर के लिए परेशानी में पड़ गया था कि भाई कुछ ऐसा तो नहीं कर देगा कि मेरा इंसोमेनिया एबिलिटी को ही ये चेंज कर दे या फिर कोई अलग नया कुछ न्यू ट्रिक होगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे म्यू टू जेड वर्सेस डाकरा एक्स कर दिया इनने, और भाई मैंने इसे बर्न कर दिया ताकि भाई ईजिली मैं इसे थोड़ थोड़ करके ख़त्म कर दूँ। तो इसने भाई अपने डाकराई को चेंज ही कर दिया, मैंने यहाँ पर ज्यूम यूज़ करने का सोचा और एक कर भी दिया। अच्छा डैमेज भी पड़ गया इसे, एक नॉक ऑफ भी दे देते। वैसे स्टील एंड फाइटिंग वाला जो लुकारिया है उसका मेगा स्टील रस बहुत पावरफुल होता है, तो मेरे म्यूटू के अगेंस्ट वो ठीक नहीं रहेगा। मैंने ये भाप लिया था, देन ऑल्सो यहाँ पे क्या करा मैंने, डिटेक्ट यूज़ नहीं किया, गलती हो गई। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे अच्छा हो वो कन्फ्यूज था, लेकिन वेव गाइड है उस पर, मैं ये भूल चुका था लिटरली। यहाँ पे डिटेक्ट जो मुझे नहीं यूज़ करना चाहिए था, नॉक ऑफ यूज़ करना चाहिए था, तो वहाँ पे मैंने डिटेक यूज़ कर लिया, अब कोई फ़ायदा भी नहीं है। देखो सिंपली वो वेव गाइड से मुझे मार देगा यार, 3 HP लिटरली देख रहे हो, 3 HP। HP भी कहाँ है वो यार, वो मतलब एक कहते हैं ना गोली कान के पास से भी गुजर जाएगी तो वो मर जाएगा, ऐसा वाला हाल है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे निकालता हूँ सॉल के लिए ताकि भाई इसे मैं किसी तरह ख़त्म कर सकूँ। किया तो सही, अब देखते कौन सा, मुझे लगता है कि इसका डाकराई, चलो डाकराई आ भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो मेरे किसी पोकेमोन को मारने में थोड़ा वक्त भी लगाएगा ना तो उसका बॉन्ड से ही वो खुद ही मारा जाएगा। और उसे हील करने का सिर्फ हील बेल ही एक ऐसा मूव है जो सारे पोकेमोन के स्टेटस कंडीशन को सही करता है, तो हील बेल तो होगा नहीं किसी पोकेमोन के ऊपर क्योंकि मैंने इसके सारे पोकेमोन देख रखे हुए हैं, तो हील बेल नहीं हो सकता, रिफ्रेश डाकराई रख नहीं सकता, तो मतलब डाकराई गया। वैसे स्लिप में डाला उसने और मेरा होल्ड आइटम बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा, अच्छा हुआ गेंगार आने वाला था, मैंने यहाँ पे पोकेमोन चेंज करा। वैसे यहाँ पे ना भाई अब आने वाला है मज़ा, क्योंकि क्योगर वर्सेस तुम्हें गारंटीना, भाई बहुत लोग गारंटीना कहते रहते हैं ठीक है ना, तो मैं गारंटीना ही कहता हूँ, तो इसलिए
तुम लोग ज़रा माइंड नहीं करना, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को अजीब सा लगता है गारंटी ना जब मैं कहता हूँ। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल शेयरकोल्ड बहुत सही काम करा है यहाँ पे, उसने जीमूव जो मारा हुआ है, पॉइजनस तो हुआ पड़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेस्ट है मेरे पे। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट अच्छा हुआ, एकदम परफेक्ट टाइम पे मैं प्रोटेक्ट यूज़ करता हूँ और भाई एकदम बच जाते हैं उसका जीमूव से। और यहाँ पर रेस्ट मैंने यूज़ कर लिया ताकि उसके जो भी डैमेज मुझे पड़े हैं उस सब मैं रिवाइव कर लूँ। और इसका स्पेशल रेंट तो कितना होता है, ये 5 होता है ये स्पेशल रेंट ना, 4 तो इसने यूज़ ही कर लिया क्योंकि प्रेसरेबिलिटी है मेरे क्योंकर के ऊपर, तो लास्ट वाला स्पेशल रेंट बचा हुआ था इसलिए इसने यहाँ पोकेमोन ही चेंज कर लिया। अच्छा, ये आ चुका है जिरोंटिना जेड और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ जीमू यूज़ कर लूँ। मेरा जो जीमू है उससे डिफेंस माइनस हो जाता है और मैं जब कोई भी अटैक स्पेशल अटैक मूव यूज़ करूँगा ना उससे बहुत ज़्यादा का डैमेज पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ ना मेरे क्योगर ये वाले क्योगर को ना मैं चेंज करके वाई कर लूँ, क्योंकि एक्स वाला तो फेटर में है ही, मैं और एक योगर बनाऊंगा तब करने वाला हूं, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 और मेगा क्योगर चाहिए दूसरा R2 बनाने के लिए। तो जल्दी इसकी भी वीडियो आने वाली है, बहुत मज़ा आएगा। फिलहाल उसके भाई मेगा जिरोंटिना जेड ने तो यार बैंड बजा दिया मेरे क्योगर का, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है फिर इसका HP कम है और स्पीड मेरा माइनस है, उसका डिफेंस भी माइनस है। और भाई ये कन्फ्यूज़न जो चीज़ है ना यार, ये बहुत गुस्सा आ रहा था मेरे को क्योंकि हर बार जो मेरा पोकेमोन जो भी आ रहा ना वो कन्फ्यूज हो जा रहा था, वो मूवी यूज़ नहीं कर पा रहा था, तो ये थोड़ा सा पैनिक था मेरे लिए। और देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अगेन उसने वही मूव यूज़ करा, लेकिन मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ कि एक अनवेयर, अच्छा इस पोकेमोन के ऊपर कौन सा एबिलिटी होता है डूड, मैन प्रेशर ही होता है ना गारंटीना पे, क्या होता है प्रेशर ही होता है, मोल्ड ब्रेकर तो होता नहीं है। देन ऑल्सो उसका मूव का पावर इतना ज़्यादा था, एक शॉट में मार गया भाई साहब। मैंने तो सोच लिया भाई इसको मार के रहूँगा किसी तरह, डाक रहा इसे मैंने, यहाँ पे जी मूव मारा ख़त्म ही करा इसे। ऑल राइट, अब देखते कौन सा आता है। चलो इसके ख्याली पुलाव को मैं पकाने से रोक देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता, ओ भाई मैं भूल चुका था कि मेरा स्पीड माइनस कर रखा है स्टिकी वेव से इसने, तो मैं सोचा था कि टॉन्ट मार दूंगा ना जब डार्क वॉइड यूज़ नहीं कर पाएगा, बॉन्ड इफेक्ट से ऑलरेडी बेचारा खुद घुट घुट के कैंसर की तरह मारा जाएगा। लेकिन इसका जो दाव था चाहे जो भी हो वो उल्टा पड़ेगा ही, क्योंकि इसने मुझे स्लिप में तो डाल दिया, नाइट में मारने से पहले हो सकता मैं उठ जाऊँ या फिर वो ही मारा जाए, तो नाइट मेयर आई थिंक सो नाइट मेयर मारना चाहिए तो उसे, होगा नहीं शायद। चलो ठीक है, मेरे डाक रहे तो बच गया, लेकिन मेरे डाक रहेगा कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि स्पीड मेरा माइनस कर रखा हुआ इसने। भाई यार रैपिड स्पिन वगैरह अगर तुम्हें स्टिकी वेव से बचना है ना तो रैपिड स्पिन रख लो, डिफॉग रख लो, ये कोई 2 मूव रख लो किसी पोकेमोन पे तुम बच सकते हो। स्टिकी वेव हो गया, स्पाइक सॉक्स स्पाइक सबसे बच सकते हो। हील बेल रख लिया तो सिर्फ स्टेटस कंडीशन अपने पोकेमोन का तुम ठीक कर सकते हो इन द बैटल, तो ये सब चीज़ बहुत कम लोगों को पता है। वैसे यहाँ पे मैंने टॉन्ट मारा इसलिए क्योंकि मुझे लगा ही था कि स्लिप टॉक ज़्यादातर लोग रखते हैं अपने पालकिया के ऊपर ताकि वो किसी भी ऐसे पोकेमोन से बैटल कर सके जो डाकरा जैसा हो, है ना। और इसके ऐसा कौन सा पोकेमोन होता भी है भाई, हाँ हिप्नोसिस कुछ लोग यूज़ करते हैं गैंगर के ऊपर, कोई बात नहीं। वैसे यहाँ पे ये बंदा पता नहीं पूरा स्टॉप हो गया, मुझे लगा क्या हो गया भाई, डिसकनेक्ट फ्रॉम द सर्वर तो नहीं कर रहा, क्योंकि आजकल लोग ये बहुत यूज़ कर रहे हैं, मतलब हैक वगैरह यूज़ करके जीत जा रहे हैं बैटल बिना खेले ही। होप सो तुम्हें ये वीडियो बड़ी चलेगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, शुक्रिया, थैंक यू।